नहीं थम रही प्रवासी मजदूर और खाना सर्व करने वाली महिला समूह के बीच का विवाद। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए प्रशासन कर रहे ऐतिहासिक पहल, फिर भी मुंगेली रेड जोन में है, जिसकी सुरक्षा के लिए मुंगेली पास्टरपुल जिले में लगभग 14,000 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जहां शारदा लोरमी के ITI कॉलेज में लगभग 100 प्रवासी मजदूरों को ठहराए गए हैं, जिसके खाने पीने रखरखाव की जिम्मेदारी चंदली के मां तुलसी महिला स्व सहायता समूह को अधिकृत किया गया है, जिसमें प्रवासी मजदूरों के द्वारा घटिया एवं बासी खाना देने या टाइम पर नहीं देने का आरोप। खाना पीना समस्या है भैया, खाना पीना समस्या से शिकायत करा था। 12 बजे के ऊपर खाना मिलते है पर नहीं मिला खाना। नान नान बाल बच्चा धर धर के आए हैं, अपन लिए कुछ नहीं आवे, न साबुन न निरमा न तेल न फूल न कुछ नहीं, ना नाश्ता चाय पानी कुछ नहीं मिले हैं। मात्र चावल दाल बस मिलते है, सब्जी हाँ शाम सुबह बस मिलते है, पतला दाल एकदम पतला रहेगी और सब्जी आलू भाटा रहेगी। एक दिन बरबट्टी दे है और एक दो दिन बस यह दे है, सोयाबीन के बड़ी आलू और सिवा आम चीज मिलवे नहीं कराती। ये संबंध जब बोलते तो खाना देने वाला क्या बोलते? खाना देने वाला जितना टाइम खाना आएगा उतना टाइम खाएगा, तुम चिल्ला रहे हो उतना टाइम का खाना दो आदमी कितना का कहाँ बना पाएगा, इसे कैसे बोल। चंदली महिला समूह के ऊपर लगाया गया है। वहीं ठहरे मजदूरों ने अपने पंचायत के सरपंचों को व्यवस्था कराने के लिए बुलाया, जहाँ डिडोल सरपंच राम निवास राठौड़ ने क्वारंटाइन सेंटर पहुँच कर मजदूरों का खाना नहीं खाने का वीडियो वायरल कर दिया और तहसीलदार साहब को दिया, तो तहसीलदार साहब अटेंड नहीं किए। कल ADM साहब को भी लगाया सूचना देने के लिए, अटेंड नहीं किए। बाद में मेरे इनका कॉल बैक आया, यही कहानी है। और तहसीलदार साहब आए तो ये मेरे ऊपर हमारे ऊपर सरपंचों के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि आप जनता को भड़का रहे हैं कर, जबकि हम जनता को और समझा रहे हैं कि हो जाता है लेट लतीत, पूरे सभी जगह व्यस्त है शासन प्रशासन और सभी सरपंच शासन प्रशासन के तो साथ दे रहे हैं शुरू से अंतिम तक, और आज सरपंच के ऊपर ही अधिकारी लोग ऐसे। जिसे लोरमी अनुविभागीय अधिकारी नवीन कुमार भगत ने संज्ञान में लेते हुए तत्काल मौके पर नायब तहसीलदार निर्देशित कर मौके में भेजे गए, जहां पहुंचकर लोगों को खाना खाने की समझाइश देते रहे। सरपंच को क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचकर भड़काऊ बात ना करे, वहां से सभी को चले जाने की बात कही, जहां सरपंच के बीच नोकझोंक हो गए, जिसकी सूचना लोरमी अनुविभागीय अधिकारी नवीन कुमार भगत को दिए गए, जहां ITI क्वारंटाइन सेंटर पहुंचकर ठहरे प्रवासी मजदूरों के हालचाल जाना और स्वयं बैठकर खाना खाया और मजदूरों को भी खाना खाने की अपील किए, जहां मजदूरों ने भी खाना पैकेज लेकर खाना खाए। वही महिला समूह को भी टाइम से अच्छे खाना खिलाने और वही खाना बनाने फटकार लगाए। ITI शारदा क्वारंटाइन सेंटर में 60 मजदूर रह रहे हैं, वहाँ ऐसी सूचना मिली कि खाना की जो है अव्यवस्था है वहाँ, उसको तत्काल जो है अवगत कराया गया और जो है जांच के लिए टीम भेजा गया, परंतु सरपंच महोदय के द्वारा हमारी बिना अनुमति के वहाँ जो है डायरेक्ट पहुँच के थोड़ा अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके लिए जो है उनके विरुद्ध थोड़ा सा हमने चेतावनी दिया और मामले को जो है तत्काल कंट्रोल में लिया और सभी मजदूरों को समझाइश दी गई और सभी को खाना खिलाया। सर, इसमें लगातार मजदूर के अंदर ये बताया जा रहा है कि वो समूह के द्वारा बंदे खाने खिलाए या बासी खाने खिलाए जाने की बात सामने आ रही है, इसमें क्या कहेंगे आप? लगभग 4 से 5 हजार मजदूर उस सेंटर में रह के जो है ग्राम पंचायत जा चुके हैं, कभी भी ऐसी समस्या नहीं आई है, ये थोड़ा सा गलत बताया गया है और मैं टाइम टू टाइम इसको चेक भी करता हूँ और खुद भी। बता दें कि लोरमी क्षेत्र में हजारों समूह है, पर एक ही चंदली के माँ तुलसी महिला समूह को 4-4 सेंटर अलर्ट कर देना भी समझ के परे है। वहीं लोगों को भड़काने, अनावश्यक वीडियो वायरल करने वाले सरपंच के ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहा गया, हालांकि सरपंच से माफीनामा लेने के बाद छोड़ा गया। मुंगेली से प्रीतम दिवाकर का रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ विजन TV।